If you are someone who has cleared NEET 2021 and want to know all about the GMC Dodla, the campus, fee, hostel tour, mass and the surrounding of the college, yes, this is the video for you. You should watch this video till end. So before starting the video, I want you to subscribe this channel and like the video. Just subscribe the channel. So without any further delay, let's get started. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज की वीडियो स्पेशली मैं जीएमसी डोडा के बारे में कर रहा हूँ क्योंकि नीट 2021 की काउंसलिंग चल रही है एंड बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है लेके कि डोडा का जो कॉलेज है जीएमसी डोडा जो 2020 में स्टार्ट हुआ था कैसा है, सराउंडिंग्स कैसी हैं। सो मैं स्टार्टिंग में आपको पहले स्टार्ट करते हैं हम डोडा जीएमसी की लोकेशंस। लाइक आई हैव टेकन टू रेफरेंसेज लाइक जम्मू एंड श्रीनगर। इट्स अराउंड 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू एंड 240 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। सो दिस इज़ अ रफली एस्टिमेशन। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर में 5 कॉलेजेस आए थे मेडिकल में, जिसमें से जीएमसी डोडा भी एक था। बट 2019 में बैच स्टार्ट हुआ था, पहला बैच का 2020 में आया था। सो अभी जो क्लासेस हैं जीएमसी डोडा की, मैं कैंपस टूर आपको वीडियो के लास्ट पे ज़रूर दिखाऊंगा कि क्लासेस कहाँ पे आज हो रही हैं, इंडेक्स कहाँ पे होगी। जो अभी 2020 का बैच था उसकी क्लासेस डोडा का जो ओल्ड हॉस्पिटल था कैंपस में, जो मेकशिफ्ट कैंपस है वहाँ पर चल रही हैं। तो जो सेकंड बैच है एंड द थर्ड बैच में भी अपकमिंग बैच, वो भी वहीं पर ही शिफ्ट होगा क्योंकि जो नया कैंपस है वो बहुत बड़ा है एंड उसको स्टार्ट होने में मे बी 1 से 2 साल और लग सकते हैं अभी। सो इसके बाद बात करें एडमिशन फ़ी की। एडमिशन फ़ी इज़ लाइक 26,250 रुपी। उसके बाद 1,500 इज़ द हॉस्टल चार्ज एनुअली। इट्स वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। मैस इज अराउंड लाइक 4,200 to 4,500। एंड बस फी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज 8,000 एनुअली, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल से कैंपस तक बस में लिया जाता है। ऑल दो इट्स ऑन अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 7 to 8 minutes, बट स्टूडेंट्स आर गिवन कम्फर्ट एंड उनका कम्फर्ट का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। इसके बाद बात करें हम कॉलेज की लोकेशन की, जो कैंपस अभी का है दैट इज़ इन द मेन सिटी उधर पे, एंड द हॉस्टल इज़ ऑल्सो इन द सराउंडिंग्स। तो लाइक इफ़ यू आर स्टेइंग इन द हॉस्टल यू विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस या कोई भी बाहर का कोई भी प्रेशर कुछ नहीं होगा। सराउंडिंग इज़ वेरी नाइस, पीपल आर वेरी हम्बल हेल्पफुल। सो उसके अलावा बात करें तो शॉपिंग है, कैफेज हैं, जिम है, ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स वगैरह, मतलब अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आप खेलने जा सकते हैं, कैफेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे कैफेज हैं वहाँ पर अवेलेबल। इफ़ यू आर अ फिटनेस लवर यू विल गेट जिम ऑन ऑल्सो वॉकिंग डिस्टेंस। इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से दैट कि इट्स अ वेरी टाइम सेविंग एरिया। लाइक ऐसी जगह पर कॉलेज है जहाँ पर आपका बहुत जल्दी टाइम सेव होगा, क्योंकि मेडिकल में ऑब्वियसली बात है बहुत सारा पढ़ना होता है तो बच्चे के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पाए। सो ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से आपको हर चीज़ बहुत नज़दीक मिल जाएगी और वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाएगी। अबाउट द एकेडमिक्स, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने खुद कुछ स्टूडेंट्स या मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे, मैंने उनसे बात की है, उनने सबसे मतलब सबका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था अबाउट द स्टडीज एंड द फैकल्टी दैट इज़ ओवर देयर एंड द मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। उसके अलावा बात करें अब कैंपस टूर की, जो कैंपस है कैसा है एंड कहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, सो अब आप देख लीजिए वो सब। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर लो, मैं आपको डेफिनेटली आई विल टेक्स्ट यू बैक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी द कैंपस एंड आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो दिस इज़ द न्यू कैंपस जो जीएमसी डोडा का कॉलेज है ये वाला। दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, शायद 2 से 3 साल में ये स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ये हॉस्टल्स हैं एंड वहाँ पीछे एक और ब्लॉक है। ये फ्रंट व्यू है इस कॉलेज का, तो मैं अभी आपको पूरा एरिया कवर करके दिखाऊंगा, पूरे बैक एरिया में भी मैं जाऊंगा एंड आई विल शो यू कि ये कॉलेज कितना बड़ा है। सो इफ़ यू आर गेटिंग हियर बाय लाइक आपका स्कोर है, आपके पास ऑप्शन इधर आने का, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एंड आप आसपास का व्यू देख लें कितना प्यारा है। तो फिलहाल तो यहाँ काफ़ी शांति है, बट आई गेस 2-3 साल में और ज़्यादा सेटलमेंट्स होंगी पास में। फिलहाल मैं बाकी भी वो आपको बैक साइड में लेके चलता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ।
this is the back view of the main building. ये पूरा यहाँ तक, let me zoom it, यहाँ तक है. तो वो नीचे हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं ये वाली भी. एंड एक और ब्लॉक है ये वाला. अभी तो इनका मुझे पता नहीं ना एग्जैक्टली कि यहाँ पे मेंशन भी नहीं है कि ये कौन सा वाला एरिया, इधर पे क्या डिपार्टमेंट होगा या कुछ भी. इनकेस आप ये वीडियो कुछ देर बाद देख रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम इस टाइम आपको शो हो रहा होगा. आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करिए, मैं ग्राउंड लेवल का क्या सीन है या क्या हिसाब है यहाँ का, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट दैट. डोंट वरी अबाउट दैट स्टफ. फिलहाल आप ये देखो कि ये कितना खूबसूरत एरिया है. चारों तरफ पहाड़ एंड बीच में कॉलेज एंड द सिटी इज दैट, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 10 kilometers फ्रॉम दिस बिल्डिंग. एंड अब मैं चलता हूँ सिटी वाली साइड एंड वहाँ का आपको दिखाता हूँ कि जो कैंपस अभी का वर्किंग है वो कहाँ पर है. एंड जो हॉस्टल्स हैं वहाँ के वो तो अभी सिटी के होटल्स में हैं, तो नेक्स्ट वाले हॉस्टल्स का कहाँ पे शिफ्ट होगा वो भी आसपास के ही एरियाज में होंगे. लेकिन रूम्स वहाँ के इट्स वेरी नाइस, खाना भी अच्छा. मैंने खुद पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स से जाके पूछा था अबाउट द स्टडीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत अच्छा है सब कुछ. सो फ्रॉम माई साइड इट्स अ थम्स अप. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट कम एंड एक्सप्लोर एंड ऑल्सो स्टडी इज द मेन थिंग जिसके लिए आप GMC ज्वाइन कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं. सो अब देखते हैं सिटी में पहुंच के मैं आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा कि जो अभी वर्किंग हॉस्पिटल है वहाँ का एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो है उसके साथ एंड साथ में OPD वगैरह अगर मुझसे हो सका अभी, क्योंकि मैं लेट हूँ थोड़ा सा, बट आई विल ट्राई टू शूट दैट टू. सो इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो जरूर करिए एंड इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम यूजर नेम मेरा आपको पॉपअप हो रहा होगा. आप मुझे पूछ लेना कुछ भी अगर आपको पूछना होगा कॉलेज के बारे में उस पे इंस्टाग्राम पे. सो दिस इज द मेन रूट ऑफ डोडा टू GMC. डोडा जो नया कैंपस है उसका यही रूट है मेन. तो अभी हम फिलहाल नया जो ओल्ड हॉस्पिटल था जहाँ पे 2020 बैच की क्लासेस लगती हैं, आई गेस 21 एंड 22 के भी वहीं पे लगेंगी जो नेक्स्ट कमिंग बैच होगा और जो इस बार आ रहा है. बाकी जो कैंपस है अभी का सिटी का, दैट इज एट द बेस्ट प्लेस. लाइक अगर इस साल आप आ रहे हैं तो एक दो साल आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बाकी सब चीज़ें भी आपको करने को मिलेंगी. आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये है ही एक ऐसी जगह पे कि जहाँ से आपको हर एक चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी. स्टूडेंट्स को ज़्यादा बॉदर नहीं करना पड़ेगा, कोई व्हीकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा, वो सब. ये सिटी का व्यू है एंड ये सामने है GMC का कैंपस जो विद इन 1-2 or 3 years यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा. प्रॉपर सिटी में है ये. अब मैं अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको कुछ एरिया वहाँ का. तो दिस इज द एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो है यहाँ का एंड यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्लांट है. एंड सॉरी फॉर दिस क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही एंड ये पीछे ब्लड बैंक की बिल्डिंग दिख रही होगी आपको. मैं काफ़ी लेट हो गया ये वीडियो शूट करते करते, मैं कहीं गया हुआ था. हॉस्पिटल का मैं थोड़ा दूसरे एंगल से भी आपको दिखा दूँ ये हॉस्पिटल कैसा है. यहाँ नीचे हॉस्पिटल की कुछ फर्दर ब्लॉक्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी शायद एक दो साल में एक्सटेंड हो जाएगा. तो दिस इज द होल बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि बैक एरिया में अभी मैं जा नहीं सकता, वहाँ से कैप्चर नहीं कर सकता. तो यू कैन सी, आप अंदाज़ा लगा लो बस ये एरिया है. सो दिस इज द अनदर व्यू ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम अनदर एंगल. ये हॉस्पिटल है.